हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे हमारी रेसिपीज की तरह। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम आज मेरे चैनल पर आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं विंटर स्पेशल सरसों का साग और मक्के की रोटी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत यम्मी लगती है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सरसों का साग बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक गुच्छा सरसों का लिया है। देखिए, मैंने अच्छे से धोकर के साफ करके रखा हुआ है। एक गुच्छा मैंने यहाँ पे पालक का लिया हुआ है। पालक का गुच्छा भी मैंने अच्छे से साफ करके धो के रखा हुआ है। एक गुच्छा मैंने यहाँ पे हरी मेथी का लिया है, ये भी मैंने अच्छे से साफ करके धो के रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक मूली के पत्ते लिए हैं, पत्ते भी मैंने साफ किए हुए हैं, नीचे से कट किए हुए हैं और धोए हुए हैं। फ्रेंड्स, अब हम इन सब सब्जियों को एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पालक, सरसों, मेथी और मूली के पत्ते को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। आइए अब हम साग बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में एक ग्लास पानी डाल रही हूं। इसमें हम सारी धोई हुई सब्जियों को, कट करी हुई सब्जियों को डाल देंगे। मैंने मेथी डाल दी है, मूली के पत्ते, पालक और सरसों। सभी को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। फ्रेंड्स, हम इस सब्जी को बहुत अच्छी तरह से घोट घोट करके बनाएंगे, जैसे कि पहले गांवों में बनती थी चूल्हे के ऊपर, बिल्कुल वैसा ही ये टेस्ट आएगा। तो हम इसको बॉईल होने का वेट करते हैं। फ्रेंड्स, साग में डालने के लिए मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, क्योंकि हम स्पाइसी पसंद करते हैं। आप स्पाइसी नहीं पसंद करते हैं तो रेड चिली पाउडर को स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने ली है यहाँ पे एक हरी मिर्च, एक इंच जितना अदरक का टुकड़ा और चार पांच कली लहसुन की। अदरक कूटने वाले से हम इन तीनों चीजों को कूट लेंगे, या आपके पास में बिल्कुल बारीक कट करने के लिए चॉपर हो तो आप एकदम बारीक चॉप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को एकदम बारीक क्रश कर लिया है। अब हम इसको साग में मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं इसे साग में मिक्स कर दे रही हूं। देखिए, साग बॉईल होने लग गया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है, क्योंकि हरे सब्जियों में नमक तेज हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन सब्जियों के अकॉर्डिंग एक चम्मच नमक लिया है, मैंने डाल दिया है। और एक चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर भी इसमें डाल दिया है। अब इस सबको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी और बॉईल होने दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, खाली है। इसमें चार चम्मच में मक्की का आटा डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे चार चम्मच मक्की का आटा ले लिया है। अब इसमें हम पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो बाजरे का आटा भी यूज में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मक्की का आटा यूज में लिया है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एकदम पतला इसका घोल तैयार कर लिया है। आइए हम इसको साग में मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए साग एकदम बैठ गया है, सभी पत्ते पानी में डूब गए हैं। अब हम इसमें मक्की का आटा मिक्स कर देंगे। जो हमने घोल तैयार किया है हमें इसको मिक्स करना है और लगातार इसको मिक्स करते रहना है।
मक्की का आटा हमने यहाँ पे साग को गाढ़ा करने के लिए डाला है। पहले तो इसमें पत्ते अलग थे, पानी अलग था, अब देखिए सब कुछ एक सा हो गया है। अब हम इसको इस तरह से घोट घोट कर ही बनाएंगे। एक बार बॉईल होने लग जाए फिर हम गैस के फ्लेम को कम कर देंगे। फ्रेंड्स एक बात और कि साग में हल्दी नहीं डलती है, हमने यहाँ पे हल्दी नहीं डाली है, सिर्फ नमक और लाल मिर्ची पाउडर डाला है। अगर साग गाढ़ा होने लगता है तो हम इसमें बॉईल करा हुआ पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स हमें बीच बीच में ध्यान रखना है कि साग नीचे लगने ना लग जाए, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से नीचे तक चलाना है और बहुत अच्छे से इसको इस तरह से घोटना है। मैं इसमें थोड़ा सा बॉईल किया हुआ पानी डाल रही हूं। इस तरह से हमें साग को 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकाना है। फ्रेंड्स जब तक साग तैयार हो रहा है तब तक हम मक्की का आटा लगा लेते हैं। मक्की का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी गुनगुना कर लिया है। आइए अब हम सबसे पहले मक्की का आटा लगाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक कटोरी मक्की का आटा लिया है, छान के रखा हुआ है। मक्की के आटे के अंदर 4 चम्मच में गेहूं का आटा डाल दूंगी। और 1 चम्मच मैदा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक डाल दिया है, अब हम इसको गुनगुने पानी से लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले सबको मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा और 1 चम्मच मैदा इसलिए डाली है ताकि रोटी फटी फटी ना बने। मेरे फ्रेंड्स का कहना है कि मक्के की रोटी फट जाती है, अच्छे से नहीं बनती है, तो अब आपकी रोटी बहुत अच्छे से बनेगी। हम थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल करके आटे को लगाना स्टार्ट कर देंगे और हमें आटे को पतला नहीं लगाना है। फ्रेंड्स मक्के का आटा हमेशा गर्म पानी से ही लगाया जाता है, कभी भी ठंडा पानी यूज में नहीं लिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स मैंने एकदम टाइट आटा लगाया है, अभी हमें इसको बहुत अच्छी तरह से मथना है। जब तक हम इसको मथेंगे नहीं तो रोटी हमारी अच्छी बनेगी भी नहीं। फ्रेंड्स हमें मक्की के आटे को लगा के नहीं रखना होता है, नहीं तो ये पतला हो जाता है, पानी छोड़ देता है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि इसमें हल्की सी चिकनाई आ जाए। मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा इसमें तेल लगा दिया है और इसको मैं अच्छे से इस तरह से मथ लूंगी तेल लगाने के बाद भी। और हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। ज्यादा देर हमें इसको ढक के नहीं रखना है, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स साग भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत अच्छी तरह से घुट भी गया है और हमें साग को पकाते पकाते 20 मिनट हो गए हैं। आइए अब हम इसके लिए छौंक तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने बघाड़ लगाने के लिए एक कढ़ाई ली है, आप फ्राइंग पैन भी यूज में ले सकते हैं। इसमें आप सरसों का तेल अगर चाहें तो सरसों का तेल यूज में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी यूज में लिया है, घी को पिघलने देंगे। फ्रेंड्स घी गरम हो गया है, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी।
मैंने लहसुन बिल्कुल बारीक कट करके रखा हुआ है। लहसुन डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। एक प्याज मैंने कट करके रखा हुआ है, प्याज को भी मैं इसमें डाल दूंगी। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकने देंगे। अब हम इसको साग में ऐड कर देंगे। बघार को मैंने साग में डाल दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, साग लुकिंग में ही बहुत सुंदर लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आइए अपन फटाफट मक्की की रोटी तैयार कर लेते हैं, ताकि गरम गरम साग के साथ में गरम गरम मक्की की रोटी खाई जा सके। देखिए फ्रेंड्स, आटा भी एकदम अच्छे से नरम हो गया है। आइए अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं और फिर हम रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। ऐसे इसको बहुत अच्छे से हमें गोल 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 करना है, ताकि ये आटा बिल्कुल एक सा हो जाए। और अब हम जैसे गेहूं की रोटी बेलते हैं, बिल्कुल हमें उसी तरह से मक्के की रोटी बेलनी है। फ्रेंड्स, मैंने मक्की के आटे का ही पलोथन लगाया है और हम इस लोई को थोड़ा सा इस तरह से एक सा कर लेंगे और रोटी बेलना स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी रोटी बेल रही है। देखिए फ्रेंड्स, मक्के की रोटी हमने बहुत अच्छे से बेल ली है, किनारे भी बिल्कुल सही हैं, फटे नहीं हैं। आइए हम इसको तवे पर डाल देते हैं। फ्रेंड्स, तवा गरम हो चुका है, मैं मक्के की रोटी को डाल दे रही हूँ। इसी तरह से हम दूसरी रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने एकदम आहिस्ता आहिस्ता रोटी को बेला था, उसी तरह से एकदम आहिस्ता से हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखिए लुकिंग में बहुत सुंदर लग रही है और इसकी एक साइड सिक भी गई है। गैस के फ्लेम को तेज ही रखेंगे, हमें कम नहीं करना है। फ्रेंड्स, देखिए दूसरी साइड से भी रोटी सिक चुकी है। अब हम इसको तवे से उतार लेंगे और इस पे दूसरी रोटी जो हमने बेली है उसको डाल देंगे। अब हम गैस से तवे को हटा लेंगे और चिमटे की मदद से रोटी को सेकना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रोटी फूल भी गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, पूरी रोटी बहुत अच्छे से सिक गई है, किनारे भी सिक गए हैं। अब हम इसको गैस से हटा लेंगे और तवे को रख देंगे। और इस वाली रोटी की हम आहिस्ता से साइड चेंज कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रोटी भी पीछे से सिक चुकी है। अब हम तवे को गैस से हटा लेंगे और रोटी को गैस पे सेकना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मक्के की रोटी होते हुए भी बहुत अच्छे से, जैसे गेहूं की रोटी फूलती है, बिल्कुल उसी तरह से रोटी फूल गई है और एकदम नरम और बहुत ही अच्छी रोटी बनी है।
इसी तरह से हम सभी रोटियों को सेक लेंगे। आइए फ्रेंड्स सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सरसों का साग और मक्के की रोटी बिल्कुल तैयार है। हमने सर्व भी कर दी है और देखने में बहुत यम्मी भी लग रही है। तो आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।